नमस्ते महोदेव, आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। बात करते हैं मिक्सिंग की। आप यहाँ जाते हैं टॉप लेफ्ट पे और यहाँ पर आपको दिखता है मिक्सर। इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये मिक्सर खुल जाता है, क्लिक करेंगे वापस चला जाता है। आप अपने कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे एक्स तो भी मिक्सर आ जाता है, वापस से प्रेस करेंगे चला जाता है। और अगर आप डुअल स्क्रीन के हिसाब से काम कर रहे हैं तो सबसे आसान है, जो मैं प्रेफर करता हूँ, आपने क्या करना है, कमांड टू। जैसे ही कमांड टू हमने प्रेस किया, जो मिक्सर है एकदम अलग से आ जाएगा, आप किसी भी दूसरी स्क्रीन के अंदर लेकर जा सकते हैं, और कमांड डब्ल्यू वो चला जाएगा। राइट, कितना ही आसान, कमांड टू ये आया, चाहे कमांड डब्ल्यू करें चाहे यहाँ पर हम कैंसिल कर दें। राइट, बहुत ही आसान। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि मिक्सिंग एग्जैक्टली चीज़ क्या होती है। अगर हम मिक्सर को देखें, आपने बहुत सारी गूगल पिक्चर्स में या अलग अलग स्टूडियोज़ में देखा होगा, एक बहुत बड़ा मिक्सर कॉन्सोल होता है जिसके अंदर अलग अलग ट्रैक्स के अंदर कहीं ड्रम है, कहीं मेलोडी है, कहीं बेस है, तो बहुत सारे इफेक्ट्स उसके अंदर लग रहे होते हैं। हमारे पास फेडर होते हैं वॉल्यूम के, पैनिंग, लेफ्ट राइट, और बहुत सारी अलग नॉब्स होती हैं। एग्जैक्टली उसी तरह के एक एनालॉग मिक्सर का यहाँ पर अगर हम देखें तो एक रेप्लिका क्रिएट किया हुआ है लॉजिक प्रो ने। राइट, ये किसी भी दूसरे डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन के अंदर भी होता है मिक्सर। अब यहां अगर मैं देखूं, अब यहां पर मैं देख रहा हूं कि मेरे पास यहां पर चार अलग अलग जो चल रहे हैं, यहां पर गिटार है, एक फिल है, एक ड्रम है, और एक और कुछ प्रकर्शन या कुछ इस तरह का चल रहा है। ठीक है, अपने अपने ट्रैक के अंदर है, और जिस पे भी मैं क्लिक करता जाता हूं, आप देखेंगे अगर मैंने आई बटन पे क्लिक किया हुआ है तो यहां पर मुझे उसका जो मिक्सर इफेक्ट चेन है वो यहां पर दिख जाती है। यहाँ पर ये वॉल्यूम है जिसे हम ऊपर नीचे करते हैं, जब मैं इसे मूव करता हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ से भी होता है, यहाँ से मैं इसे पैनिंग लेफ्ट या राइट कर सकता हूँ। आपने स्पीकर जो अगर आपने हेडफोन में लगाया होगा तो आपको सुनेगा लेफ्ट या राइट होती हुई। ये जो वॉल्यूम है इसको टेक्निकली हम बोलते हैं फेडर। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे वॉल्यूम फेड हो जाता है और वापस आ जाता है। राइट, इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा जीरो, वापस वो आ गया। राइट, बहुत ही आसान। अब मैं यहाँ पर गया, मैंने मिक्सर को खोला, यहाँ पर मैं देखता हूँ यहाँ मैं जाता हूँ और इसको अगर पूरा सिलेक्ट कर लूँ और मैं चाहता हूँ कि सभी ट्रैक्स प्ले हों, आप देख रहे हैं अपनी अपनी जगह पर सब हो रखे हैं। मुझे थोड़ी बहुत लेवलिंग करनी है, मैं देख लेता हूँ किस तरह से। चलिए मैं इसको एक को करता हूँ सोलो और सिर्फ मैं ये वाला सेक्शन सुनूंगा, वही यहाँ पर दिखेगा, वही यहाँ पर हाईलाइट होगा। वॉल्यूम कम, वॉल्यूम बढ़ा लिया। राइट, इस पे अगेन सिंगल क्लिक किया, जीरो प्रेस किया, वापस वो जीरो पर आ गया। जो ग्रीन सिग्नल है इसका मतलब आप काफ़ी सेफ जोन के अंदर हैं, कुछ भी क्लिपिंग नहीं हो रही। जब वो थोड़ा सा येलो की तरफ, ऑरेंज की तरफ जाना शुरू हो जाए, इसका मतलब आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि वो सीलिंग को टच कर रहा है। ये सीलिंग, क्लिपिंग, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। सिर्फ एज अ लेमैन अगर आप समझें, जैसे ही वो रेड होने लगता है इसका मतलब वो डेंजर जोन में जाना शुरू हो गया है। जो आपकी सैंपल है उसका जो डायनामिक्स है वो अब चेंज होने वाले हैं, वो अपनी सीलिंग को टच हो चुका है। ऑब्वियसली वो डिस्टॉर्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सब चीज़ें क्या हैं, क्या वर्ड्स हैं, आने वाले लेक्चर्स में हम देखते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम कर लेते हैं लेवलिंग। लेवलिंग क्या चीज़ है, कौन सा ट्रैक का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्राइम टॉपिक है जब हम मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं। पूरा चलाते हैं, फिल है उसके हिसाब से कम किया आने वाले, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पे मैंने थोड़ा फिल भी कम कर दिया था, सो दैट अगर मैं पीछे से आता हूं राइट, बढ़िया। अब यहां पर मैं देखूं, मैं कुछ इफेक्ट्स वगैरह यहां पर ऐड कर सकता हूं। अगर मैं यहां पर इसे बंद भी कर दूं मिक्सर तो भी आप देखेंगे कहीं भी मैं क्लिक करता हूं, अगर मेरा आई बटन यहां पर ऑन है तो यहां पर दिखता रहता है एक बाय डिफॉल्ट ईक्यू हमारे पास ऑलरेडी होता है। ईक्यू क्या चीज़ है, इसके बारे में भी हम बहुत जल्दी पढ़ेंगे। हमारे पास फिल्टर्स होते हैं, लो फ्रिक्वेंसी होती है, मिड फ्रिक्वेंसी होती है, हाई फ्रिक्वेंसी होती है। कोई भी सैंपल, कोई भी साउंड जो हम दुनिया में सुनते हैं वो इन तीन फ्रिक्वेंसी बैंड्स के अंदर सेग्रीगेट हो रखी होती हैं। राइट, मैं यहां से कुछ भी अप डाउन कर सकता हूं फ्रिक्वेंसीज में, किस तरह से एक बार देखते हैं।
आप देख रहे हैं कहां कहां पे भी मैं चाहे अटेन्यूएट करता हूं, चाहे बूस्ट करता हूं किसी भी पर्टिकुलर बैंड को, किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को, तो वहां पर साउंड चेंज होती जाती है, राइट। अब ये जो चीज है, मैंने यहां गया, यहां क्लिक किया, बिल्कुल इसके नीचे जहां पर ये चैनल इक्यू लिखा है, यहां पर एक खाली सा अगर आप देखेंगे, ये देखिए हाईलाइट हो जाता है। इस पर हमने क्लिक किया, बहुत सारे और हमारे पास इफेक्ट्स हमें मिल जाते हैं। मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं और अगर मैं ऑडियो यूनिट्स पे जाऊं तो ये सब वो हैं जो एक्सटर्नली मैंने परचेज कर रखे हैं, जो एक्सटर्नल हमारे पास है, बेबी ऑडियो, ब्लैक सॉल्ट, फैफ फिल्टर, आइसोटोप, सूद, स्पेफ और एक्सलन ऑडियो का RC20। ये सब चीज़ें क्या हैं, एक्सटर्नल प्लगइन्स हैं और हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक प्लगइन्स भी बहुत सारे यहाँ पर दिए गए होते हैं, जिसमें फिल्टर्स हैं, EQ हैं, डायनामिक्स ऑब्वियसली, कंप्रेशन, डीएसिंग, इस सब की बात हो रही है। चलिए मैं यहाँ पर एक कंप्रेसर ले लेता हूँ। ये सब क्या है, कंप्रेशन भी हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, मैंने सिर्फ ऐसे ही लिया है और इसे मैं यहाँ से कैंसिल आउट कर देता हूँ, राइट। अब मैं यहाँ से जाता हूँ वापस मेरे मिक्सर पे, वही या तो प्रेस करेंगे हम एक्स या कमांड टू, जैसा भी आप यूज करना चाहें। मैंने एक्स क्लिक किया, अब ये देखिए यहां पर ऑलरेडी वो दिख रहा है, अब जो ये सेक्शन है मैंने इसे सोलो कर रखा है इसलिए वो अकेला चल रहा है, बाकी सब म्यूट हो रखे हैं और यहां से मुझे दिख भी रहा है, वो यहां पर भी दिखा रहा है कि उसके सिग्नल कितना जा रहा है, कितने डेसिबल पे वो है, क्या उसका लेवल है और उस पर कौन कौन से इफेक्ट्स लगे हुए हैं, वो दिखा रहा है कि यहां पर कंप्रेशन है, उसके बाद हमारे पास EQ है और भी बहुत सारे इफेक्ट्स हम ले सकते हैं। अलग 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 ट्रैक्स के ऊपर हम अलग अलग इफेक्ट्स लेते जाते हैं जैसे भी जिसकी नीड होती है, इसी को हम मिक्सिंग बोलते हैं जो मिक्सर में होता है। यहां से बहुत सारे इफेक्ट्स जनरेट हो जाते हैं, प्लेसमेंट होती है, स्टीरियो सेपरेशन होती है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहां पर प्लेस होना चाहिए, रिवर्ब होती है, किसकी कितनी गूंज होनी चाहिए, कितनी ड्राई, कितनी वेट, वो सारी चीजें जो है, जो अमलगमेशन पूरे सॉन्ग का एक ब्यूटिफिकेशन होती है, जो एनहांस होता है, वो सारा मिक्सिंग के दौरान ही होता है। तो ये सब है मेरा फाइनल एक मिक्सर। मैं यहां आ गया, यहां गए, यहां क्लिक किया, मेरे पास एक ऑलरेडी कंप्रेसर, यहां भी मैंने ले लिया, बंद किया, यहां गई, मैंने क्लिक किया अगेन, बहुत सारे यहां पर मेरे पास इफेक्ट्स हैं, इंटरनली मैं कोई देख लेता हूं। चलिए मैंने लिया है एक बायनॉरल पोस्ट प्रोसेसिंग, राइट। जो भी इफेक्ट मैंने यहां पर ऑन किया वो उसके ऊपर काम करना शुरू हो गया। एक्जैक्टली बायनॉरल और बाकी चीजें क्या है वो आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। मेन मैं आपको बताना चाहता था क्या चीज मिक्सर है। अब यहां पर जब हम किसी एक को सिलेक्ट करते हैं, अगर मैं शिफ्ट प्रेस कर लूं, आप देखिए ये सारे एक बार में इकट्ठे सिलेक्ट हो जाते हैं जब मैंने शिफ्ट प्रेस कर रखा हो। उससे फायदा क्या होता है, आपने वैसे एक बेसिक लेवलिंग तो कर दी लेकिन ओवरऑल थोड़ा सा और नीचे या ऊपर लेके जाना चाहते हैं पूरे सॉन्ग का लेवल, पूरे प्रोजेक्ट का लेवल, तो आप यहां से कर सकते हैं। कितना ही आसान है, देखिए वहां भी देखेंगे तो जितने भी मेरे ट्रैक्स हैं वो सभी के सभी, वो देखिए उनका वॉल्यूम हो रहा है, तो सब इंटरकनेक्टेड है, ये या यहां या यहां कहीं भी, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। किसी को मैंने राइट कर दिया, किसी को लेफ्ट कर दिया, अभी इकट्ठे हो रखे हैं तो सभी के सभी एक साथ हो रहे हैं। जब मैंने अकेले अकेले करूंगा तो कोई राइट कोई लेफ्ट, जैसा ही मेरा टेस्ट बन रहा हो उस हिसाब से मैं कर सकता हूं। ये है मिक्सर, इसके शॉर्टकट्स आपको पता होने चाहिए, इसके ऊपर बहुत हैंडी होना चाहिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूं यहां क्लिक करें, एक्स करें, मैं पर्सनली दो स्क्रीन्स यहां पर यूज़ करता हूं, तो मैं हमेशा ही कमांड टू रखता हूं और जो मेरा मिक्सर है वो पूरा मैक्सिमाइज करके मैं दूसरी स्क्रीन की तरफ रखता हूं। बढ़ते हैं अगले लेक्चर की ओर, तब तक के लिए देव नेक्स्ट लेवल साइनिंग आउट, नमस्ते।